हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे बातें करती रहती हूँ और इतनी बातें करती हूँ कि मैं थकती भी नहीं हूँ फिर भी, क्योंकि मुझे जो मेरी थॉट्स हैं वो एकदम क्रिएट होती हैं। और देखिए, बैक टू बैक मैंने वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में एक के बाद एक थॉट आ रहा है और इसीलिए मैं रुकना नहीं चाहती, उन्हें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए गाइज, जितना बिंदास हम लाइफ में रहेंगे, जितना खुश हम रहेंगे लाइफ को, उतना जीना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन जितना खुश आप हो सकते हैं उतना रहिए। देखिए, मैंने ये फील किया है जब मैं बहुत बोरिंग हो जाती हूँ या बहुत सेंसिबल होने की कोशिश करती हूँ कि मैं बड़ी सोफिस्टिकेटेड हूँ, मैं बड़ी सिंसियर हूँ लाइफ में, तो सिंसियरिटी आपकी हंसी मजाक या आपके जेस्टर से नहीं आती है। सिंसियरिटी है कि आप लाइफ के डिसीजन कैसे लेते हैं, आप लाइफ को कैसे लेते हैं, आप अपने पाथ पे कैसे हैं, अपनी थॉट्स को कैसे लेते हैं। तो मैं तो देखिए सुपर एक्साइटेड भी हूँ, सुपर एक्टिव भी हूँ कि आप लोगों से मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, बैक टू बैक मैं वीडियोस दे रही हूँ। तो उसका रीज़न यही है गाइस, मैं सच में एक ही टाइम पे बहुत सारी वीडियो शूट कर लेती हूँ, इसलिए मुझे मतलब चेंज करने का भी टाइम नहीं मिलता कि मैं जाऊँ और फिर दूसरे कपड़े पहन के आऊँ फिर आपके सामने बोलूँ। जितने टाइम पे मुझे जितने वीडियो दिमाग आते रहते हैं मैं उतना वीडियो आपके साथ डिलीवर करती हूँ। और आपको जो सोचना है, आपको जो समझना है वो आप कर सकते हैं, ये आपकी इंडिविजुअल थॉट है। लेकिन मुझे लगता है जितने बिंदास जितने कूल हम रहते हैं उतनी जल्दी हम सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें अगर हम हंसी मजाक करें और खेलें कूदें थोड़ा सा, मतलब अपने दोस्तों के साथ चिल मारने चले जाएं, तो वो सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि हर दिन कोई बड़ा दुख नहीं आता है, हम छोटे छोटे दुखों को ही बहुत बड़ा बना। यार मेरा फोन की बैटरी डेड हो गई, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मैसेंजर इसी वजह से दुखी हो गए, हमारा फोन टूट गया हम इस बात से दुखी हो गए, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा हम इस बात की वजह से दुखी हो गए, हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी रात को, यार रोज तो 5 घंटे बात होती थी आज 1 ही घंटे बात हुई है तो उससे दुखी हो गई। तो इन चीजों की वजह से हम ज्यादा परेशान होते हैं, यार पढ़ाई की टेंशन हो रही है, आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या होगा, एग्जाम है अब अभी 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, कैसे क्या होगा। अब यही सोचते रहते हैं हम, उन चीजों को सही कैसे करें हम ये नहीं सोचते हैं। तो सिचुएशन को सोचना बंद करिए, उसको सही कैसे कर सकते हैं वो सोचिए, प्रॉब्लम को डिस्कस मत करिए, सोल्यूशन को सोचिए और खुश रहिए जितना ज्यादा हो सकता है, खुश रहिए। देखिए, कभी कभी फेक भी हंसीए, कभी कभी जो जितना जितना उस सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा रिएक्ट कर देना चाहिए, जैसे कि आज शायद मेरा लग रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अंदर से क्योंकि मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा ऐसा फील स्ट्रेस फील कर रही थी, लेकिन जब मैंने खुद से ही सेल्फ रियलाइजेशन करा कि वाई क्यों कर रही हूँ मैं, इसकी तो नीड ही नहीं है, ठीक है हर दिन एक तो थोड़ी ना होता है, हो जाएगा ठीक, अभी जो चीज़ ऐसी नहीं चल रही है स्मूथ वो हो जाएगी, क्या दिक्कत है। तो मैं सबसे एक्स्ट्रा हंस रही हूँ और अपनी बेवकूफियों पे भी हंस रही हूँ कि मैं क्यों ऐसे अपने मुंह बना रही हूँ, क्यों अपनी बॉडी को खराब कर रही हूँ। तो मैंने बहुत अच्छे से एक जो मैं 1 घंटे का योगा करती हूँ उसमें मैंने 1.5 घंटा किया और अच्छे से किया, बहुत साउंड मतलब बहुत लाउड म्यूजिक के साथ किया, खुद अकेले में डांस किया खुद, मतलब ये तरीके होते हैं अपने स्ट्रेस को रिलीज करने का। स्ट्रेस कुछ ऐसा वैसा स्ट्रेस नहीं था कि बहुत भयंकर था, लेकिन मैं बता रही हूँ छोटी छोटी टेंशन हमें होती हैं। हमारा वहाँ प्रोग्राम था जाने का, हमें नहीं जा पाए, हम उसकी वजह से सैड हो जाए, पूरे दिन सैड मनाते रहे, उसने हमें आज आई लव यू नहीं बोला इसकी वजह से हम सैड हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी स्टुपिडिटी हैं जिनकी वजह से हम सैड हो जाते हैं। तो वैसे बिंदास रहिए, एनर्जेटिक रहिए, कुछ कुछ करते रहिए लाइफ में, कुछ ना हो तो अकेले मूवी देखने चले जाइए, वो भी नहीं कर सकते तो अकेले में डांस कर लीजिए। सबके पास आजकल मल्टीमीडिया फोन है और साउंड भी ठीक ठाक होती है, और अगर घर में स्पीकर है तो स्पीकर लगाइए और जम के डांस करिए, पसीना निकालिए, अपने अंदर की एनर्जी को बर्न कीजिए, जो घटिया फालतू की जो मतलब एग्जॉशन हो रहा है आपकी लाइफ में उसको बाहर निकालिए, तो आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। और जो शांति वाले लोग हैं मैं उनको बोलूंगी कुछ नहीं है तो योगा में एक स्टेप हंसने वाला भी होता है, निस्सेस हंसना, हा, तो ऐसे भी कर लीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, मतलब
कुछ भी करिए, एक्टिव रहिए, ऐसे डल मत पड़ जाइए, लाइफ खराब हो गई, उसने मेरे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया। अपने चेहरे का नेचुरल ग्लो खो देंगे यार, आप लोग समझते नहीं हो उस चीज को। जितना जल्दी आप इस चीज को समझेंगे उतना ज्यादा आपको होगा। मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग मुझे कार्टून जोकर कुछ भी कह रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन जो लाइफ की फैक्ट को जानते हैं, जो लोग खुशनुमा हैं, वो समझ सकते हैं कि लाइफ में हैप्पी रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। किसी सिचुएशन को रोके काट लो या हंस के, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स टोटली अप टू यू हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, और हैंडलिंग पावर आपके हाथ में है, आपकी लाइफ है, स्टेयरिंग आपके हाथ में ही होना चाहिए, किसी और के हाथ में मत दीजिए। कोई आपके हैप्पीनेस की की नहीं हो सकता, आप अपनी हैप्पीनेस की खुद होते हैं, और जब आप अपनी हैप्पीनेस की बन जाते हैं तो आप दूसरों के लिए भी वही अंदर से फीलिंग रखते हैं, और आप दूसरों को भी हंसाने की कोशिश करते हैं। और जब मैं फ़नी होती हूँ तो मैं सीरियसली बहुत फ़नी होती हूँ, और मेरे जॉली मूड से या मेरे ऐसे उससे बहुत सारे लोग भी खुश हो जाते हैं, उसी को देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो अगर मेरी अभी जो भी मैंने आपसे बातें शेयर करी रैंडमली जल्दी जल्दी, जो भी मैं आपसे बात कह रही हूँ, अगर आपको लग रहा है आपको इन चीज़ों पे बेवकूफ़ी लग रही है, लेकिन फिर भी आपको हंसी तो आई होगी डेफिनेटली। तो आज की दुनिया में लोगों को रुलाना बहुत आसान है और हंसाना बहुत मुश्किल है गाइस। तो अगर आप मेरी वजह से किसी के चेहरे पर स्माइल आती है तो ये मेरे लिए तो बहुत सुकून की बात है, क्योंकि हम सब वही हैं ईश्वर के बनाए हुए, लेकिन बस हमारे फिजिकल अपीयरेंस अलग होने की वजह से हमारा थॉट सिस्टम ये सब अलग होता जा रहा है, और हम दूसरे के सुख से नहीं दुखों से दुखी नहीं होते हैं, हम सुख से दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उतना हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, एनर्जेटिक रहिए, खेलिए कूदिए, जो भी आपका मन करता है वो करिए गाइस, लेकिन बस खुश रखिए, क्योंकि जिंदगी चलती का नाम गाड़ी, और जिंदगी में हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, यही मेरी ख्वाहिश है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।